2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 10 अप्रैल को भारत बंद का प्रचार चल रहा है। हालांकि किसी भी संगठन ने आगे आकर बंद का आह्वान नहीं किया है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की आशंका के चलते खास तौर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल को दलित समुदाय द्वारा कराए गए बंद के दौरान आगजनी की अनेकों घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और इस तरह के भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलवर के किसी भी संस्था ने और किसी भी समुदाय ने किसी भी प्रकार से बंद की कोई घोषणा नहीं की है। जो भी व्हाट्सएप पे ये प्रचार कुछ लोगों के द्वारा किया गया था वो भ्रामक था और आने वाले दिनों में उसको लेकर के भी वो प्रचार भी लगभग थम सा गया है। और फिर भी अगर किसी प्रकार का विभेदकारी या किसी प्रकार के भ्रामक प्रचार व्हाट्सएप अथवा किसी अन्य माध्यम से किए जाएंगे तो पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी और उसकी जांच भी कराई जाएगी। आज विशेष तौर पे अलवर शहर में, खैरथल कस्बे में और अन्य प्रमुख थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, जिससे कि जनता में सुरक्षा का भाव बना रहे। और 10 तारीख को बंद की कोई घोषणा नहीं है, फिर भी पुलिस और प्रशासन जो है मिलकर के पूरी सतर्कता बरतेगी, जिससे किसी को कोई समस्या नहीं बाधित होगी। उधर खैरथल और अलवर में पुलिस द्वारा आईपीएस अनिल बेनीवाल के नेतृत्व में बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि आम जन में किसी प्रकार का भय ना हो। अरावली विहार, एनईबी, शिवाजी पार्क, सदर और एमआईए सारे एरिया को अपने कवर किया जाएगा और जो भी डाउटफुल एरियाज हैं उन सभी एरिया के अंदर मैसेज हमारी तरफ से दिया जा रहा है कि पुलिस और आपका प्रशासन दोनों पूरी तरह से सजग हैं और किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी हरकत जो मतलब पिछली 2 तारीख को आप लोगों को देखने को मिली थी, इस टाइप की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही मैसेज देने का आज हम काम करेंगे।